أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم जी बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू स्टार्ट अ न्यू टाइप ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जी बेटा, हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये कहूँगी कि आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, जब आप ये वीडियो डाउनलोड करके इसको पढ़ेंगे तो। जी हम आते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्टेंट्स हम लोगों ने पढ़ने हैं आज के लेक्चर में, ठीक है, उसके बाद हम अपना टॉपिक जो है प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। जी कॉन्टेंट्स हमने कौन कौन से आज पढ़ने हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे, फिर हम उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ टर्म्स जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बार बार आती हैं तो बेहतर यह है पहले हम उसको डिफाइन कर लें लॉन्ग विद एग्जाम्पल ताकि हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फिर उसके बाद हम जाएंगे रेडिएशंस किसे कहते हैं, फिर हम देखेंगे आयोनाइजिंग रेडिएशंस किसे कहते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेडिएशंस कौन कौन सी होती हैं, साथ हम उसकी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, और फिर बाद में हम पढ़ेंगे वट इज हाफ लाइफ अलोंग विद टू और थ्री एग्जाम्पल्स। जी ट्रेडिशनल केमिकल रिएक्शंस अकर एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड एन एटम्स न्यूक्लियस। आपको पता है ये वेरी बेसिक पॉइंट है कि आपके पास जो है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करने के लिए, और जो हमारे पास किसी भी एटम में जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर सेट टू बी इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है कि वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते, ठीक है। तो हमारे पास जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। जी अब हम डिफाइन करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री को, जैसे कि नेम शो कर है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इन्वॉल्विंग इन द न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। आपको पता है एक एटम है, ठीक है, एटम के सेंटर में जो राउंड बॉडी होता है, जी हम बात कर रहे थे एक एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस और आपके पास जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो सर्कुलर पाथ्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं ऑर्बिट्स, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो आपके पास वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं यही रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी एटम के केमिकल बिहेवियर के। जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री को हम स्टार्ट करने से पहले हम इसकी हिस्ट्री देख लें। सबसे पहले इन 1896 हेनरी बेकरल एक्सप्लेन्ड अबाउट द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री टू इंक्लूड न्यूक्लियर चेंजेस व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट यूरेनियम एमिटेड रेडिएशंस। उसने वो यूरेनियम पे काम कर रहा था, उसने देखा हेनरी बेकरल ने कि यूरेनियम जब ब्रेकअप होता है इंटू स्मॉलर न्यूक्लियाई तो कुछ ना कुछ रेडिएशंस एमिट होती हैं, ठीक है। फिर उसने स्टडी किया कि जब यूरेनियम टूट के स्मॉलर एलिमेंट्स में कन्वर्ट होता है और साथ रेडिएशंस वगैरह एमिट होती हैं तो स्मॉलर न्यूक्लियर क्या थे। इसका मतलब इसने कहा कि एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के छोटे न्यूक्लियर में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स कि कोई ना कोई न्यूक्लियर चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। क्या हमने पढ़ा है, इन 1896 हेनरी बेकरल एक्सपेंडेड द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री टू इंक्लूड न्यूक्लियर चेंजेस व्हेन ही डिस्कवर्ड दैट यूरेनियम एमिटेड रेडिएशंस। सून आफ्टर बेकरल्स डिस्कवरी मैरी क्यूरी बिगेन स्टडिंग द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड कंप्लीटेड मच ऑफ द पायनियर वर्क ऑन न्यूक्लियर चेंजेस, ठीक है बच्चों। जी इसने अब ये जो मैरी क्यूरी थी इसने क्या किया, इसने देखा कि रेडिएशन जो हैं जो एमिट होती हैं जब कोई भी एक एलिमेंट न्यूक्लियर चेंज में आती है वो न्यूक्लियर डिके में जाता है तो रेडिएशन जो एमिट होती हैं वो अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। क्या कहा था इसने मैरी क्यूरी ने, शी फाउंड डैट रेडिएशन वॉज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट। जी शी प्रपोज दैट रेडिएशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटम, इट मीन्स एज अपोज टू द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड। ये जो आपके पास रिएक्टिव डिके है ये आपके पास उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी है ना के उस एक पूरे केमिकल कंपाउंड की। जी मैरी क्यूरी वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन अ नोबल प्राइज, उसको नोबल प्राइज दिया गया किसके ऊपर, ये रेडियोएक्टिविटी पे काम करने की पर उसको जो है वो नोबल प्राइज दिया गया, ठीक है। और वो पहली खातून थी जिसने दो प्राइजेस विन किए थे,
She is the first person who wins two prizes. First prize ने किया था अपने, इसने एक shared काम किया था with her husband और एक scientist था आपके पास Henry Becquerel, ठीक है. The first prize who she won, it was shared with her husband Pierre Curie and Henry Becquerel for discovering the radioactivity. The second prize was awarded to her for discovering the radioactive elements radium and polonium, इसने discover किए थे, ठीक है जी. आगे आपके पास है definitions of some important terms involved in the न्यूक्लियर केमिस्ट्री जी. एटॉमिक नंबर, इसको हम शो करते हैं, इसको सिंबलाइज करते हैं जी से. ये किसके कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर सिंबलाइज एज जी. मैस नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की कलेक्टिव अमाउंट को हम कहते हैं मैस नंबर, इसको शो करते हैं ए से. द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एज द मैस नंबर हूज सिंबल इज कैपिटल ए जी. आइसोटोप हम किसे कहते हैं, दीज आर द एटम्स विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर, दे आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट. जैसे इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन है, इसके आपके पास है वो तीन आइसोटोप्स हैं प्रोटियम ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, ठीक है. इन सब का जो एटॉमिक नंबर है वो 1-1 है, जबकि इनका मैस नंबर जो है वो 1 डिजिट से फ़र्क है. मीन्स प्रोटियम का मैस नंबर 1 है आपके पास, ड्यूट्रियम का मैस नंबर 2 है, ट्रिटियम का मैस नंबर आपके पास 3 है, जबकि तीनों का जो है वो मैस नंबर एटॉमिक नंबर आपके पास जो है वो 1 है, ठीक है. इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो आइसोटोप ऐसे एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के वो चीज़ें होती हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है बट डिफरेंट मैस नंबर, ठीक है. आइसोटोप जो हैं वो एक ही एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स आप कह सकते हैं. इसमें एग्जांपल नंबर 2 लेने आपके पास, जैसा कि जो है वो कार्बन के आपके पास आइसोटोप हैं C12, C13, ठीक है. आपके पास ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं O16, O17 आपके पास हैं, ठीक है. तो आपके पास जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं वो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. तो जो आइसोटोप सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है नेचर में, उसको जो है वो पीरियोडिक टेबल में शो किया जाता है. जैसे अब देखें आपके पास ऑक्सीजन है, उसका जो आइसोटोप जिसका मैस नंबर 16 है वो उसकी अबंडेंस ज़्यादा है, इसलिए आपको पीरियोडिक टेबल में O16 लिखा हुआ मिलता है, O17 लिखा हुआ नहीं मिलता. सिमिलरली आपके पास कार्बन के 3 आइसोटोप हैं C12, C13 और C14, और आपके पास जो C12 है इसकी नेचुरल अबंडेंस ज़्यादा है, इसलिए आपको पीरियोडिक टेबल में C12 लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है. सिमिलरली आपका जो हाइड्रोजन के हमने 3 आइसोटोप देखे, प्रोटियम ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, तो इसमें से जो आपके पास प्रोटियम है इसकी नेचुरल अबंडेंस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम, तो इसलिए जो है पीरियोडिक टेबल में आपके पास जो है वो हाइड्रोजन को क्या सिंबलाइज किया हुआ है, 1H1 मींस एटॉमिक नंबर 1, और मैस नंबर भी 1 शो किया गया, ठीक है. तो वो आप बेसिकली एलिमेंट का वो वाला आइसोटोप है जिसकी नेचुरल बनने सबसे ज्यादा है उसको पीरियोडिक टेबल में शो किया जाता है. सिमिलरली आपके पास जो है वो डिफरेंट मतलब एग्जाम्पल आप ले सकते हैं आइसोटोप्स की, ठीक है. न्यूक्लियाइड, ये टर्म जो है मोर फ्रिक्वेंटली मोस्टली आपको जो है वो मिलेगी न्यूक्लियर केमिस्ट्री की आप जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं. जी न्यूक्लियर किसे कहते हैं, इट इज़ अ स्पीशी ऑफ एन एटम विद द एटॉमिक नंबर विद अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल, ठीक है. अब बस कार्बन 13 दिया हुआ है, इसमें 6 प्रोटॉन है और इसमें 7 न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये जो आपके पास किसी भी एटम की एक स्पीशीज जिसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं. क्या पढ़े हमने, दोबारा इसको देखते हैं. न्यूक्लियोइड क्या होता है, ए न्यूक्लियोइड इज अ स्पीशीज ऑफ एन एटम विद द स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस. फॉर एग्जाम्पल कार्बन 13, इट हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 7 न्यूट्रॉन्स. ओके, अब हम थोड़ी सी हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ लें न्यूक्लियोइड के बारे में. ऑफन अ न्यूक्लियोइड इज रेफरेंस्ड बाय द नेम ऑफ द एलिमेंट फॉलोड बाय अ हाइफ़न. इसमें हम अगर आपने इसको सिंबलाइज करना है तो आपको एलिमेंट का पूरा नेम लिखना पड़ेगा, हाइफ़न लगाना पड़ेगा, साथ आपको उसका मैस नंबर शो करना पड़ेगा.
कैसे इसको सिंबलाइज करते हैं, न्यूक्लियाइड को एलिमेंट का पूरा नाम लिखना होता है, हाइफिन ये जो डैश है इसको हाइफिन कहते हैं, साथ उसका मैच नंबर लिखना होता है। ठीक है, हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियाइड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द नेम ऑफ द एलिमेंट फॉलोड बाय हाइफिन एंड द मैच नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 14 आपके पास जैसे दिया हुआ है, वो कार्बन 14 में आपके पास जो है वो 7 प्रोटॉन होंगे, 7 ही आपके पास है न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है जी, एवरी न्यूक्लियाइड हैज अ केमिकल एलिमेंट सिंबल ई, इसको आप ईजी भी कह सकते हैं, एज वेल एज एनाटॉमिक नंबर इसका जी होगा, और इसका मैस नंबर या प्रोटॉन नंबर को हम क्या लिखेंगे, मैस नंबर को ए से शो किया जाएगा। ठीक है, सो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द, मैस नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। जी जैसे आपके पास एक ये आपको ये सिंबलाइज किया हुआ है, यहाँ पर ई का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियाइड होगा, ए आपके पास क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है, जो नंबर प्रोटॉन्स को शो करता है, और सी जो है आपके पास, सॉरी ए आपके पास जो है वो क्या है, मैस नंबर है जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को शो करता है, और जी आपके पास क्या है, एटॉमिक नंबर है जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को सिर्फ शो करता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल एक और लेते हैं न्यूक्लियाइड की, नियॉन। अब 10 जो ऊपर लिखा हुआ है ये आपके पास ए है, मीन्स ये आपके पास, अब यहाँ पर जो है आपके पास क्या कहते हैं, एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है, इसमें आपके पास इसका मैस नंबर कितना है 20 है, और इसका एटॉमिक नंबर आपके पास कितना है 10 है। जी न्यूक्लियाइड हैज अ, अच्छा बेटा कहीं पे ना आपको ये इस तरह से भी होता है कि एटॉमिक नंबर ऊपर लिख दें, मैस नंबर नीचे लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसे यहाँ पर दिया हुआ है मैस नंबर नीचे दिया हुआ, एटॉमिक नंबर ऊपर दिया गया, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। जी न्यूक्लियाइड हैज अ मेजरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जी न्यूक्लियाइड की अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। ठीक है, न्यूक्लियाइड हैज अ मेजरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड इट लास्ट फॉर अ मेजरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, मीन्स के हर न्यूक्लियर के अंदर एक स्टोर्ड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, और वो एनर्जी जो है वो खास टाइम तक जो है वो उसके अंदर स्टोर रह सकती है। ठीक है, न्यूक्लियर्स मे बी स्टेबल, दे मे बी अनस्टेबल, जो स्टेबल न्यूक्लियर्स होते हैं वो काफ़ी एक खास पर्टिकुलर टाइम तक जो है वो अपने आइडेंटिटी मेंटेन रख सकते हैं, जबकि जो आपके पास अनस्टेबल न्यूक्लियर्स हैं वो जो हैं बहुत जल्दी डिके हो जाते हैं। ठीक है जी, हम क्या पढ़ रहे थे, न्यूक्लियाइड हैज अ मेजरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच लास्ट फॉर अ मेजरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, स्टेबल न्यूक्लियाइड्स कैन एग्जिस्ट इन द सेम स्टेट इनडेफिनेटली, काफ़ी अर्से तक अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रख सकते हैं, बट द अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स आर रेडी एक्टिव एंड डिके ओवर टाइम, ठीक है, मतलब डिके का मतलब होता है टूट जाना। ठीक है, सम अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स अकर इन नेचर बट अदर्स आर सिंथेसाइज आर्टिफिशियली, जी जो आपके पास स्टेबल न्यूक्लियाइड्स हैं वो तो नेचुरली पाए जाते हैं, जबकि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स हैं उनकी नेचुरल अकरेंस बहुत कम है, उनको हम आर्टिफिशियल सिंथेसाइज करते हैं। कैसे करते हैं, वाया केमिकल या न्यूक्लियर रिएक्शंस। ओके, जब हमें न्यूक्लियाइड, हमने अनस्टेबल न्यूक्लियाइड बनाने होते हैं आर्टिफिशियल वे से वाया न्यूक्लियर रिएक्शन, तो इसके नतीजे में आपके पास हैं रेडिएशन एमिट होती हैं, दे मे बी अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस। ठीक है, आगे जाके आपको मैं इन रेडिएशन के बारे में बताऊंगी, हम इनकी करैक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो आपके पास जो अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स हैं वो डिके होते रहते हैं मेनी टाइम्स अंटिल दे कन्वर्ट इनटू एन एलिमेंट विच हैज अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ स्टेबिलिटी। जी अब हम देखें न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, ऐसी चीज़ें जो टाइटली पैक है और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, दीज आर द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, दीज आर पैक टुगेदर वेरी टाइटली इन अ न्यूक्लियस। ओके जी, फॉर एग्जाम्पल विद द रेडियस ऑफ अबाउट 10^-15 मीटर्स अ न्यूक्लियस इज क्वाइट स्मॉल, डेफिनेटली 10^-15 मीटर इट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल क्वान्टिटी, इतने अगर रेडियस का आपके पास एक न्यूक्लियस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो स्मॉल, वो वेरी स्मॉल न्यूक्लियस है। ठीक है जी, अ न्यूक्लियस इज क्वाइट स्मॉल एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द इंटायर एटम विच इज अबाउट 10^-10 मीटर्स। जी न्यूक्लियाई आर एक्सट्रीमली डेंस एज कम्पेयर टू बल्क मैटर,
एवरेजिंग जो है आपके पास इसकी कितनी अमाउंट है, 1.8 × 10⁻¹⁴ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर जी। फॉर एग्जाम्पल वाटर हैज रिजा डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड इरेडियम वन ऑफ द डेंसेस्ट एलिमेंट नोन एज डेंसिटी ऑफ 22.6 ग्राम पर cm³। भी आपको जो है दो, एक आपको वाटर कंपाउंड दिया गया, आपको एक एलिमेंट दिया गया, इनकी डेंसिटी आपस में कंपेयर की हुई है, ठीक है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा हुई मतलब है उसमें ज्यादा कम्पैक्टली जो है वो न्यूक्लियॉन्स मौजूद है, कम्पैक्ट एलिमेंट के साथ मौजूद है जी। अब हम डिफाइन करते हैं रेडिएशन किसे कहते हैं। आपको पता है इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। रेडिएशन क्या है आपके पास, ये भी मैटर होता है, विच इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। रेडिएशन इज एनर्जी डेट कम्स फ्रॉम अ सोर्स, डेफिनेटली रेडिएशन जो है किसी न किसी सोर्स से आती है, ठीक है। एंड इट ट्रेवल्स थ्रू सम मटीरियल और थ्रू स्पेस। जब किसी चीज में से रेडिएशन एमिट होती है डेफिनेटली वो जिस जगह से गुजरेगी उसके अंदर या तो पेनिट्रेट कर जाएगी या उसमें से ऐसा जो है वो गुजर जाएगी, ठीक है जी। रेडिएशन हमने क्या डिफाइन किया, रेडिएशन इज एनर्जी डेट कम्स फ्रॉम अ सोर्स एंड ट्रेवल्स थ्रू सम मटीरियल और थ्रू स्पेस। लाइट एंड हीट आर द टाइप्स ऑफ रेडिएशन। तो आपके पास जो है लाइट और हीट जो है ये रेडिएशन की दो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है बेटा जी। आपको पता है लाइट जो है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। वेव किसे कहते हैं, क्रस्ट और ट्रफ मिलके एक वेव बनाते हैं। क्रस्ट किसे कहते हैं, अपवर्ड जो कर्व है उसको क्रस्ट कहते हैं, डाउनवर्ड कर्व को हम क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। तो एक क्रस्ट और ट्रफ मिलके एक वेव बनती है और लाइट जो है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, पैकेट्स की फॉर्म में भी हम कहते हैं ट्रेवल करती है जी। अब हम पढ़ेंगे वट इज मेंट बाय द टर्म आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन इट हैज एनफ एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम मेकिंग दैट एटम एन आयन। जी ऐसा कि नेम में शो कर रहा है, ऐसे रेडिएशन जब इसको किसी एटम के ऊपर फॉल किया जाए तो एटम ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकाल के एटम को आयोनाइज कर देती है। ऐसी रेडिएशन को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है बेटा। क्या हमने पढ़ा, आयोनाइजिंग रेडिएशंस आर दोज रेडिएशंस व्हिच हैव एनफ एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम मेकिंग दैट एटम एन आयन, ठीक है जी। अब सबसे पहले हम लोग देख लें कि रेडिएशन और न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में जो है वो जो रिलेशनशिप था वो सबसे पहले किसने बताया, 1902 में। सबसे पहले इन 1902 फ्रेडरिक सोडी प्रपोज्ड अ थ्योरी व्हिच स्टेट्स दैट रेडियोएक्टिविटी इज द रिजल्ट ऑफ अ नेचुरल चेंज ऑफ एन आइसोटोप ऑफ वन एलिमेंट इनटू एन आइसोटोप ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। 1902 में फ्रेडरिक सोडी ने क्या कहा था कि आपके पास जो है जब एक आइसोटोप ब्रेकअप होके किसी और एलिमेंट के आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाए और इसके नतीजे में रेडिएशन खारिज हों एमिट हों तो इस अमल को हम कहते हैं रेडियोएक्टिविटी, ठीक है। रेडियोएक्टिविटी को इन्होंने क्या कहा था, रेडियोएक्टिविटी इज द रिजल्ट ऑफ अ नेचुरल चेंज ऑफ एन आइसोटोप ऑफ वन एलिमेंट इनटू एन आइसोटोप ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट जी। न्यूक्लियर रिएक्शन इन्वॉल्व चेंजेस इन द पार्टिकल्स इन एन एटम द न्यूक्लियस एंड दस कॉज अ चेंज इन द एटम इटसेल्फ। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होते हैं, जिससे किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल मींस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद हैं उनमें चेंजेस आती हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से जो है ओवरऑल हम कहेंगे कि एटम के अंदर चेंजेस आती हैं और एटम जो है किसी और एटम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन इन्वॉल्व चेंजेस इन द पार्टिकल्स इन एन एटम्स न्यूक्लियस एंड दस कॉज अ चेंज इन द एटम इटसेल्फ, ठीक है बेटा। अच्छा जी, ऑल एलिमेंट्स हैवियर देन बिस्मिथ दे एग्जिबिट नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। क्या कहा गया है कि ज्यादातर बिस्मथ से हैवी एलिमेंट्स और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि बिस्मथ से थोड़े लाइटर हैं उनके अंदर जो है वो कुदरती तौर पर जो है ये रेडियोएक्टिविटी का फिनोमिना हो रहा है, कुदरती तौर पर जो है वो उनके अंदर इतनी एनर्जी मौजूद होती है कि वो सेल्फ डिके उनका हो जाता है, वो किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, सारे रेडिएशन खारिज हो जाती है, ठीक है। एंड दस दे डिके इनटू लाइटर वंस, ठीक है।
क्या हमने कहा है कि बिस्मथ से हैवियर एलिमेंट्स और कुछ एलिमेंट्स ऐसे जो बिस्मथ से लाइटर हैं उनके अंदर नेचुरल डिके का जो है वो जवाहिर मौजूद है, नेचुरली वो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं और वो ब्रेकअप होकर स्मॉलर एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अनलाइक नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस डेट फॉर्म मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियर रिएक्शन रिजल्ट इन द ट्रांसम्यूटेशन ऑफ वन एलिमेंट इन टू अ डिफरेंट आइसोटोप। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब होता है कि एक एलिमेंट जो है वो टोटली डीके हो जाता है और एक न्यू आपके पास न्यूक्लियस बन जाता है, एक न्यू आपके पास आइसोटोप बन जाता है, न्यू एलिमेंट का आइसोटोप बन जाता है, ठीक है, जिसकी जो है प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द एलिमेंट विच हैज़ बीन डीकेड। क्या बात है, पड़ी दोबारा इस चीज़ को देखते हैं कि अनलाइक नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस डेट फॉर्म मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियर रिएक्शन रिजल्ट इन द ट्रांसम्यूटेशन ऑफ वन एलिमेंट इन टू अ डिफरेंट आइसोटोप और अ डिफरेंट एलिमेंट ऑल टुगेदर। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशंस। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, आयनाइजिंग रेडिएशंस कौन सी होती हैं कि जब उनको किसी एलिमेंट एटम पे गिराया जाए तो एटम के वैलेंस शैल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती हैं और एटम जो है वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों जी, हमारे पास तीन तरह की आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन एंड गामा रेडिएशन। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला आपके पास है अल्फा रेडिएशन, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। इट इज द एमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम एन एटम्स न्यूक्लियस। क्या उन्होंने कहा है कि जब आपके पास अगर कोई एक हैवियर एलिमेंट टूट के स्मॉलर एलिमेंट में कन्वर्ट होता है और साथ एक अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है तो उनको, उन अल्फा पार्टिकल को हम कहते हैं कि आपके पास वो रेडिएशन के फॉर्म में एमिट होते हैं, उनको हम कहते हैं अल्फा रेडिएशन। क्या पढ़ा हमने, अल्फा रेडिएशन इज द एमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम एन एटम्स न्यूक्लियस। जी, एन अल्फा पार्टिकल कंटेन्स टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स। देखें जो अल्फा पार्टिकल हैं बेसिकली वो होते क्या हैं, जी हम लोग बात कर रहे थे अल्फा पार्टिकल की, इस ये बेसिकली केमिकली जो है वो हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है। 4 का मतलब इसमें 2 प्रोटॉन्स है, 2 इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, द न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस, डिसइंटीग्रेशन होता है टूट जाना, न्यूक्लियस का टूट जाना। द न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस दैट एमिट्स अल्फा पार्टिकल्स इज कॉल्ड अल्फा डिके। ठीक है, ऐसे रिएक्शन जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस टूट के स्मॉलर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है और साथ जो है वो हीलियम का पार्टिकल रिलीज होता है, इसको हम कहते हैं अल्फा डिके। हीलियम के न्यूक्लियस को हम कहते हैं अल्फा रेडिएशन या अल्फा पार्टिकल। व्हेन एन एटम एमिट्स एन अल्फा पार्टिकल द एटम्स एटॉमिक मास विल डिक्रीज बाय 4 यूनिट्स। डेफिनेटली ऐसे देखें, आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है कि आपके पास जो है ये दिया हुआ है, ये आपके पास देखें यूरेनियम है, इसका एटॉमिक नंबर 92 है, इसका मास नंबर 238 है, ये डिके हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ आपके पास थोरियम में, जिसका आपके पास एटॉमिक नंबर क्या है 90 है और उसका मास नंबर क्या है 234 है। अब अगर हम इनके मास को कंपेयर करें, इसका 238 था, ये 234 है, दोनों में कितने का डिफरेंस है 4 है। ठीक है, और इनका अगर हम एटॉमिक नंबर को कंपेयर करें, इसका यूरेनियम का 92 था, थोरियम का कितना है 90 है, इसका मतलब है दोनों में डिफरेंस कितना आ गया 2 का आ गया। ठीक है, तो आपके पास जो है वो एक बड़ा एलिमेंट टूट के स्मॉलर एलिमेंट में कन्वर्ट हुआ, या आप कह सकते हैं एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ, साथ जो है वो अल्फा पार्टिकल रिलीज हुए। बेसिकली वो क्या है, हीलियम के न्यूक्लियस हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या है 2 है, मास नंबर 4 है, मास नंबर जो है 4 ने सुना दिए, इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 इसके अंदर न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, ये बात हम बता रहे हैं कि आपके पास when an atom emits alpha particle then atom's atomic mass will decrease by 4 units, which means 2 protons and 2 neutrons are lost and at atomic number z will be decreased by 2 units, 92 से 90 रह गया। ठीक है बेटा, the element is said to be transmuted, के वो जो है एलिमेंट जो है वो चेंज हो गया है, किसमें, थोरियम में, वो दोबारा से यूरेनियम में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, द एलिमेंट इज सेड
to transmute it into another element that is 2z smaller units, जिसका जो है वो mass atomic number जो है वो दो कम है. An example of an alpha transmutation takes place when uranium decay into the element thorium में convert हुआ by emitting an alpha particle as depicted in the following pic. तुम्हारा समझ आ गया आपको? अल्फा रेडिएशन क्या होती है कि जब आपके पास एक हैवियर न्यूक्लियस टूट के एक स्मॉलर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है और साथ वो एक अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है. अल्फा पार्टिकल बेसिकली क्या होते हैं? ये हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 2 होता है और इनका मास नंबर जो है वो 4 होता है. ठीक है, और इस अमल को हम कहते हैं, इस फिनोमिना को हम कहते हैं अल्फा डिके. इसमें उन्होंने आपको एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास यूरेनियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 92 है, इसका मास नंबर 238 है. ये जब ब्रेकअप हुआ ये किसमें कन्वर्ट हुआ, ये डिके हुआ किसमें कन्वर्ट हुआ, ये थोरियम में, जिसका एटॉमिक नंबर क्या था, 90 था, इसका मास नंबर क्या था, 234 था. ठीक है, अगर हम यूरेनियम और थोरियम के एटॉमिक नंबर को और मास नंबर को आपस में कंपेयर करें तो थोरियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 यूनिट्स लेस है देन यूरेनियम, और इसका जो मास नंबर है वो 4 यूनिट्स कम है देन यूरेनियम. तो इसका मतलब है कि साथ जो है एक ऐसा पार्टिकल रिलीज हुआ है जिसका मास नंबर 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है, और वो क्या है, आपके पास हीलियम का न्यूक्लियाई. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, ये हीलियम के पार्टिकल रिलीज हुए हैं बेसिकली, इनको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल्स. जी, एलिमेंट सिंबल्स आर प्रोसीडेड बाय देयर एटॉमिक वेट एंड द एटॉमिक नंबर. नाउ हमने जो है वो आयनाइजिंग रेडिएशन में हमने एक टाइप पढ़ ली है अल्फा डिके, दूसरी हम पढ़ने जा रहे हैं बीटा डिके, जिसको हम एमिशन ऑफ बीटा रेडिएशन भी कहते हैं. ठीक है बेटा जी, बीटा रेडिएशन इज द ट्रांसम्यूटेशन ऑफ अ न्यूट्रॉन इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन. वहां समझ आ गई है? इसमें क्या होता है कि जब एक एलिमेंट टूट के स्मॉलर एलिमेंट में कन्वर्ट होता है, या आप कह सकते हैं एक हैवियर न्यूक्लियस टूट के एक स्मॉलर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, तो आपके पास जो है वो क्या होता है, बेसिकली क्या चेंज आती है कि जो हैवी एलिमेंट था उसका न्यूट्रॉन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में. ठीक है, फॉलोड बाय द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम्स न्यूक्लियस. ठीक है, ये आपके पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की जो है वो सिंबल दिखाई गई है. जी, व्हेन एन एटम एमिट्स अ बीटा पार्टिकल द एटम्स मास विल नॉट चेंज. इसका जो है वो मास नंबर चेंज नहीं होता, लेकिन इसका जो एटॉमिक नंबर है वो एक यूनिट इंक्रीज हो जाता है. क्या बात हो रही है? व्हेन एन एटम एमिट्स अ बीटा पार्टिकल द एटम्स मास विल नॉट चेंज सिंस देयर इज नो चेंज इन द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स. इट मीन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज नहीं होते, हाउएवर द एटॉमिक नंबर विल इंक्रीज बाय 1 बिकॉज द न्यूट्रॉन ट्रांसम्यूटेटेड इनटू एन एडिशनल प्रोटॉन. तो क्या वो आपके पास एग्जांपल देगी है, ये आपके पास कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, इसका मास नंबर कितना है, 14 है. जब इसकी डिके हुआ तो ये कन्वर्ट हुआ इंटू अ न्यू एलिमेंट जो कि नाइट्रोजन का था. इसका आपके पास एटॉमिक नंबर कितना बताया गया, 7 है. इसका मास नंबर कितना आपको दिया गया है, 14 है. अगर हम इसको नाइट्रोजन के न्यूक्लियस को कार्बन के न्यूक्लियस से कंपेयर करें तो इसका मास नंबर जो उसका एटॉमिक नंबर है वो 1 यूनिट इंक्रीज कर गया है. ठीक है, जबकि मास नंबर नाइट्रोजन का वही है कि कार्बन का था 14 14. और इसका मतलब है कि आपके पास कोई ऐसी रेडिएशन एमिट हुई हैं जिनका जो है वो मास नंबर एटॉमिक मास नंबर इनका 0 है और इनका जो एटॉमिक नंबर है वो -1 है. ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब है बीटा पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं. ठीक है बेटा जी, एन एग्जांपल ऑफ दिस इज द डिके ऑफ द आइसोटोप ऑफ कार्बन कॉल C14 इनटू द एलिमेंट नाइट्रोजन. ठीक है, अच्छा जी, यहां से आप जरा हम थोड़ा कंपेयर कर लें कि हमने अभी तक जो है वो दो टाइप्स की रेडिएशंस पढ़ी हैं. कौन सी पढ़ी? आयनाइजिंग रेडिएशंस में अल्फा डिके और बीटा डिके. अल्फा डिके में हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास जो है वो हैवी एलिमेंट ब्रेकअप हुआ था इनटू अ स्मॉलर वन, और आपके पास जो है जो न्यू एलिमेंट बना था उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 यूनिट्स लेस था देन द
एलिमेंट विच हैज बीन डिकेड, और जो न्यू एलिमेंट बना था इसका जो मैस नंबर था इट हैज बीन फोर टाइम्स लेस, फोर यूनिट्स लेस देन द एलिमेंट विच हैज बीन अंडरगोन टू ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास कुछ ऐसा, आपके पास दरमियान में एक एलिमेंट बना है, एक ऐसा छोटा न्यूक्लियस बना है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, टू है, और उसका मैस नंबर कितना है, फोर है। और वो क्या था, आपके पास हीलियम के न्यूक्लियस थे जिसको हमने बीटा पार्टिकल्स का, जो अल्फा पार्टिकल्स का हम लोगों ने नाम दिया था, ठीक है, और इस नंबर को हम कहते थे अल्फा डीके। और बीटा पार्टिकल्स में आपके पास क्या हुआ था कि आपके पास जो हैवियर न्यूक्लियस टूट के एक दूसरे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ था जिसका जो है वो मैस नंबर अनचेंज था, जबकि इसका जो क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर जो है वो एक यूनिट जो है वो ग्रेटर था। इसका मतलब है कि आपके पास कुछ ऐसी रिलेशन एमिट हुई हैं जिसका मैस नंबर क्या है, जीरो है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, माइनस वन है। वो आपके पास क्या थे, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स थे जिनको हमने बीटा रेस का हम लोगों ने जो है वो नाम दिया, ठीक है, और इस नंबर को हम कहते हैं बीटा रेडिएशन या बीटा डीके कहते हैं। ठीक है बेटा, हमने जो है वो दो रेडिएशन टाइप पढ़ ली हैं, अल्फा डीके एंड बीटा डीके। जो आपके पास थर्ड टाइप है गामा रेडिएशन, इंशाल्लाह वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, आप उसको देखेंगे, बस समझ ना आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।